ओडिशा रे आरंभ हला कि बदला राजनीति पुरुना केस फाइल खोलिबा कु योजना लक्ष्मण आनंद नवदास ममिता मर्डर केस रो हेबो रीओपन आईन मंत्री को बयान परे सरगरम राज्य राजनीति बीजेडी नेतांकु बांधिबाकु बीजेपी करिछि कि प्लान लक्ष्मणानंद मर्डर केस बनी जीवनित सेल्फ गोल ओडिशा रे आरंभ होई गलाणी बीजेपी रो यूपी मॉडल पॉलिटिक्स पुरुणा केस फाइल खोलो तदंत करी भूल भटका खोजो आउ नेतांको टिके लिंक बाहरिले सीधा बांधो जेबे राज्य बीजेपी विरोधी आसन संभाली आसुथिला एकाधिक मर्डर केस रे तत्कालीन नवीन सरकार को मंत्री विधायक और नेतांक संप्रुक्ति दर्शाई घेरुथिला एबे बाजी पलटिछि बीजेपी सरकार को आसिथिबारु तीनोटी मर्डर केस रो पुरुणा फाइल रीओपन करिबाकु जाउछि जातीय गणमाध्यम रे आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन को गोटिए बयान परे राज्य राजनीति सरगरम होई उठिछि फाइल खोलिले सत उजागर हेबो ना मिछ को सत करी बीजेडी नेतांकु टार्गेट करा जिवो ताहा बड़ प्रश्न पलटिछि ए भितरे मोहन सरकार को तीन मास पूरीबा को जाउछि सरकार को आसीबा पई बीजेपी राज्यवासी को जेउ सब प्रतिश्रुति देथिला ए जब जनस्वार्थ सह सीधा सड़क जड़ित गोटिए भी काम होइनी जेमिति कि चिटफंड टंका फेरस्त रत्न भंडार रत्नर गणति मणति भत्ता बढ़िबा कथा हेउ कि सुभद्रा योजनार शुभारंभ मात्र बीजेपी सरकार एमिति किसी बाट बाछुछि जेउथिरे केवल निज राजनीति को चमकाई रखिब ओ बीजेडी को फसाई नवीन को पराजय जखम को उखारिबो खास एमिति उद्देश्य रे एबे बीजेपी सरकार रीओपन करिबाकु जाउछंती मंत्री तथा बीजेडी नेता नवदास मर्डर केस फाइल एथिसह बहु चर्चित ममिता मेहर और स्वामी लक्ष्मणानंद हत्या मामलार पुरुणा फाइल भी खोलाजिबो सरकार को ए पदक्षेप को राजनीति समीक्षक स्वागत करिछंती एथिसह प्रश्न भी उठाइछंती जे स्वर्गत नवदास को झियो तथा बीजेडी नेत्री दीपाली ए जाए काहीं की चुप बसिछंती निश्चित भाव जदि नुआ सरकार आपणकर ममिता मेहर हत्याकांडर जदि पुनः तदंत करांती एवं आपणकर नवदास घटनार पुनः तदंत करांती बा से तदंत प्रक्रिया को स्वच्छ करिया को चेष्टा करांती ताले राज्यवासी बहुत उत्सुकतार सहित अनेक रही पछपटे किए कन्स्पिरेटर्स बा षड्यंत्रकारी रही क्या प्रच्छन्न हाथ थी कौन उद्देश्य था से कथा सामना को आसबे जदि मोहन माझी सरकार यार ये तदंत खोलती सम्मुखक आणती किए किए व्यक्तिशेष अच्छा राज्यवासी विश्वास भरोसा मोहन माझी सरकार प्रति बढ़ आईन मंत्री कहवा है नवदास बीजेडी नेता सत किंतु तांकु मर्डर करा जिबा बेले से थिले मंत्री जने मंत्री को स्पष्ट दिवालोक गुली करा जिबा पछरे निश्चय बड़ षड्यंत्र थिबो जहां चपाई दिया जाई अभियुक्त गोपाल दास को जेल रे भर्ती कर दिया जाई अधिक तदंत हेले नवदास हत्याकांड पछर गुढ़ रहस्य पदक आसीजिबो बोली मंत्री आशा बांधिछंती सेपटे किंतु ममिता मेहर और स्वामी लक्ष्मणानंद केस फाइल रीओपन हेले बीजेडी रो दुई जन नेता फसिबे बोली कुहा जाउछि किंतु स्वामी लक्ष्मणानंद को हत्या बेले राज्य में बीजेडी बीजेपी मेंटो सरकार थिला सेबे आईन मंत्री थिले वर्तमान रो आईन मंत्री को बापा विश्वभूषण हरिचंदन एबे से झारखंड रो राज्यपाल जदि बीजेपी स्वामी लक्ष्मणानंद हत्या मामला को उखारे सेबे होइथिबा कंधमाल दंगारे अनेक बीजेपी नेता सामिल थिले तेणु लक्ष्मणानंद मर्डर केस फाइल रीओपन बीजेपी पाई सेल्फ गोल हो जाए समीक्षक देखो गोही खोलिया बहुत बाट अच्छे किंतु क्या नहीं तदंत करेंगे जीए अभियुक्त सीए मरी सारी अभियोगकारिणी तो मूल नथिले ममिता मेहर कि खंड हाड़ ही मिलता तेणु से प्रसंगे कौन तदंत करेंगे सेटा ओडिशा सरकार जानते लक्ष्मणानंद सरस्वती हत्याकांडर तदंत करने पक्ष एकमात्र कारण हूँ सरकार विरुद्ध ही तदंत करेंगे कारण से निजे सरकार लक्ष्मणानंद सरस्वती हत्या समय रे भारतीय जनता पार्टी एवं बीजेडी सरकार थिला केवल तो बीजेडी सरकार से नथिला
ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ମନମୋହନ ସାମଲ ଥିଲେ। ଆଜିକାର ଯିଏ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥିବୀରାଜ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବାପା ସେହି ସରକାରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତାଙ୍କର ବିଜେପି ସଭାପତି ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଆଜି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତଦନ୍ତ କରନ୍ତୁ। କେବଳ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ହତ୍ୟା ମାମଲାର ତ ତଦନ୍ତ କଲେ ହେବ ନାହିଁ, ତାପରେ ଯେଉଁ ସେଠି ଦଙ୍ଗା ଘଟିଲା ସେହି ଦଙ୍ଗାରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଲେ ଏବଂ ତାକୁ ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ନାଇଡ଼ୁ କମିଶନ ବସିଥିଲା ସେ ନାଇଡ଼ୁ କମିଶନର ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟଟାକୁ ଆଣୁନାହାନ୍ତି। 2007 ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ଆଧାରରେ 7 ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ କିନ୍ତୁ ବିଜେପି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନାହିଁ। ସେମିତି 2022 ମମିତା ମେହେରଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ତଦନ୍ତ ପରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ଗୋବିନ୍ଦ ଜେଲ୍ରେ ଥିବାବେଳେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବାରୁ ମମିତା ମର୍ଡର ପଛର ସତଟା ଛପିଗଲା। ଠିକ୍ ଏହି ଢଙ୍ଗରେ ରହିଛି 2023 ଜାନୁଆରୀ 29 ମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସଙ୍କ ହତ୍ୟା ମାମଲା। ଗୋପାଳ ଗୁଳି କରି ନବଙ୍କୁ ମାରିଥିବା ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ହତ୍ୟା କଲା ସେ ରହସ୍ୟ ଉପରୁ ଏ ଯାଏଁ ପରଦା ହଟିନି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଦେବାଶିଷଙ୍କ ସହ ବବିତା ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଦିନାଙ୍କ ଟିଭି।